देखते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/6 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। क्यों? क्योंकि 7π/6 तो नहीं होगा, उसका रीजन ये था कि ये साइन इनवर्स की रेंज में नहीं था, इसलिए कट करेंगे तो साइन इनवर्स की रेंज के बाहर चला जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको ना हम लोग दो तरीके से करते हैं, इसको मैं दो मेथड बताता हूं, मेथड वन मेथड टू। मेथड टू ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मेथड वन की बहुत लिमिटेशन है, इससे आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आप इससे कर सकते हो लेकिन सारे नहीं कर पाओगे, मेथड टू से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे, ये ज्यादा बेटर मेथड है। ठीक, पहला मेथड ये है कि आप ना इसकी वैल्यू निकालो सिंपल, ट्रिग्नोमेट्री में जो मैंने आपको पढ़ाया था वैल्यू निकालना, उसका यूज करके आप पहले इसकी वैल्यू निकाल दे। आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/6 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकालो। तो याद करिए मैंने आपको सिखाया था कि आप देखो ये कितने पाई के नियरेस्ट है, आपने देखा ये 7/6 ये 1π के नियरेस्ट है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, पता है क्या, π + π/6 लिख सकते हैं इस तरीके से। साइन पाई प्लस थीटा जो है वो क्या होता है, -sin θ, ये आ गया -sin π/6 या ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। पहला मेथड ये है, फर्स्ट मेथड, कि आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप इसकी वैल्यू निकाल लो। आपने इसकी वैल्यू निकाल लिया -½, और अब आप साइन इनवर्स -½ की वैल्यू निकाल लीजिए। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कि साइन इनवर्स का आउटपुट जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो हाफ कब होता है, साइन हाफ कब होता है जी, हाफ होता है 30° या π/6 पे, लेकिन -½ कब होगा, -π/6 पे। आपको जो भी आंसर बताना है इसका वो किसके अंदर बताना है, -π/2 से π/2 के बीच में ही बताना है, मतलब -π/2 से π/2 मतलब यहाँ पे। आपने बोला इसका आंसर क्या आएगा, -π/6, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -π/6। क्लियर, दैट इज योर फर्स्ट मेथड। लेकिन पता है इस मेथड की लिमिटेशन है, आप सारी वैल्यू यहां पे नहीं निकाल सकते। जैसे मैं यहां पे एक रैंडम एंगल लिख दूं, आप साइन ऑफ दैट वैल्यू आप वो नहीं निकाल सकते, इसलिए इस मेथड की लिमिटेशन है, इस मेथड से सारा क्वेश्चन नहीं होगा। जहां पे वैल्यू इजीली निकाल सकते हो वहीं पे ये मेथड काम में आएगा। तो हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं जो जनरल मेथड है। ठीक है, जनरल मेथड डिस्कस करते हैं, देखिए ध्यान से। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आप इसको कैंसिल क्यों नहीं कर पा रहे थे, कैंसिल इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये जो लिखा था ये साइन इनवर्स की रेंज में नहीं था, इसके बाहर था। अगर हम किसी तरीके से इसको साइन इनवर्स की रेंज में पहुंचा दें तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आप एक काम करिए, अब आप साइन की प्रॉपर्टीज यूज करके, साइन की प्रॉपर्टी यूज करके इसको किसी तरीके से साइन इनवर्स की रेंज में पहुंचा दीजिए। अगर आप इसको किसी तरीके से साइन इनवर्स की रेंज में पहुंचा दोगे तो आप इसको कट कर सकते हो। तो भाई साइन की प्रॉपर्टी तो मुझे एक ही याद आ रही है अभी फिलहाल, कि साइन पाई -θ = sin θ होता है ना, एक प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ रखी है। तो चलो इस प्रॉपर्टी को लगा के देखते हैं कि क्या ये वाला एंगल साइन इनवर्स की रेंज में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ साइन थीटा ही है, इस साइन थीटा को हम लिख देते हैं साइन ऑफ पाई -θ। ठीक, तो ये हमारे पास आया, देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कितना हो गया, -π/6। अब देखो, तो अब ये -π/6 साइन इनवर्स की रेंज के अंदर है, अब ये -π/2 से π/2 के बीच में है, इसलिए अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो और इसलिए आपका आंसर जो है वो कितना आएगा, -π/6 आएगा। क्लियर, तो दो रास्ता मैंने बताया, एक तो वैल्यू रख करके और दूसरा मैंने किससे बताया कि आप इसकी प्रॉपर्टी लगा के साइन का कुछ ऐसा करिए ताकि ये इस साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 के बीच में पहुंच जाए। जब पहुंच जाएगा तो अब आप इसको कैंसिल करके और सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, उसको जरा दोनों मेथड से ट्राई करके निकालिए। ठीक है, आपको निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ
टू पाई बाई थ्री, ठीक, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ टू पाई बाई थ्री, इसको आप दोनों मेथड से करके निकालिए। देखिए दोनों मेथड से निकालना है, पहला मेथड वैल्यू रखने वाला, इजी है, यहां पे वैल्यू बिल्कुल निकल जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन टू पाई बाई थ्री, ये पाई से छोटा है, तो पाई से छोटा है तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी देखिए पाई माइनस पाई बाई थ्री, है ना, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री, इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, मतलब साइन पाई बाई थ्री आएगा, साइन पाई बाई थ्री कितना होता है रूट थ्री बाई टू, तो साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू आया। अब इसकी वैल्यू आप फिर से लिख दीजिए, अब आप लिखोगे किसके इंटरवल के बीच, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच आप इसका आउटपुट जो है वो क्या लिखोगे, डेफिनेटली पाई बाई थ्री, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई थ्री, यस, एक बच्चे ने जवाब दिया है सौम्य, अरे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा जो है, सॉरी अरे सॉरी, तो दूसरा जो है आपका, दूसरा रास्ता क्या है उससे भी देखिए, दूसरा रास्ता है कि मैंने बोला कि आप साइन की कुछ प्रॉपर्टी लगाओ ताकि ये साइन इनवर्स की रेंज में पहुंच जाए, तो साइन की कौन सी प्रॉपर्टी फिलहाल दिमाग में आ रही है, अच्छा साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे हमने इसको लिखा कि साइन पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, ये आपके पास बनेगा देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कितना हो गया पाई बाई थ्री, और अब ये पाई बाई थ्री इस साइन इनवर्स की रेंज में आता है, इसलिए आप इसको कट करके और आंसर को पाई बाई थ्री लिख सकते हो, क्लियर। तो दोनों रास्ते से आई होप कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके के बन जाएंगे। अच्छा अब चलिए एक और करते हैं, फिर मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं पूरी तरीके से। अब आप वैल्यू निकालिए साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ सेवन पाई बाई फोर, इसकी वैल्यू निकालिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ सेवन पाई बाई फोर, इसकी वैल्यू निकालिए, मेथड टू से निकालिए, मेथड वन से तो आई नो कि आप बन जाएगा, कर लोगे, मेथड टू से निकालिए, प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बताना मेरा मेन एम है, ठीक है, तो करिए जल्दी से। चलिए देखते हैं, मेथड वन डेफिनेटली इजी है, मेथड टू प्रॉपर्टी थोड़ा सोचना है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। पहले मैं मेथड वन से करूंगा, मैं मेथड वन से पहले करके आंसर आपको पहले बता दूं ताकि मैं मेथड टू से वेरीफाई करके दिखा सकूं आपको। मेथड वन है कि पहले आप ना इसकी वैल्यू निकाल लो, साइन सेवन पाई बाई फोर बिल्कुल निकाल सकते हो, कैसे, ये कितने पाई के नियरेस्ट है, टू के नियरेस्ट है, आप इसको लिख सकते हो क्या, साइन ऑफ टू पाई माइनस पाई बाई फोर, और ये कितना बनेगा साइन ऑफ, कितना बनेगा देखो, साइन टू पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और ये आ जाएगा माइनस वन बाई रूट टू, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपने कितना निकाल लिया, माइनस वन बाई रूट टू, और फिर मैंने बोला अब इसकी वैल्यू वापस लिखिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इंटरवल के बीच में, तो ये आपके पास आएगा माइनस पाई बाई फोर, तो इसका आंसर तो माइनस पाई बाई फोर आएगा, लेकिन अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी ये देखते हैं। तो अगर आप पहली प्रॉपर्टी लगाओगे ना साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो जब आप इस प्रॉपर्टी से इसको लिखोगे, रफ में मैं पहले करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, और ये प्रॉपर्टी जब आपने लगाया कि साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, तो आप क्या देख रहे हो कि ये आ रहा है माइनस थ्री पाई बाई फोर, है ना, कितना आ रहा माइनस थ्री पाई बाई फोर, लेकिन ये माइनस थ्री पाई बाई फोर ना माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बाहर है, ये अभी भी साइन इनवर्स की रेंज के अंदर नहीं आ रहा, ये साइन इनवर्स की रेंज के अंदर नहीं आ रहा, तो इसलिए आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। आप ये साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा लगाया, लेकिन ये आपका साइन इनवर्स की रेंज के अंदर नहीं आया, इसलिए इससे कोई बेनिफिट नहीं, इसलिए आप इसको मत लगाइए, बिल्कुल नहीं लगाना। तो फिर कौन सी लगाना है, ये हमें टू पाई के करीब दिख रहा, तो टू पाई वाली चलो प्रॉपर्टी देखते हैं।
लेकिन पता है आप साइन थीटा को साइन टू पाई माइनस थीटा तो नहीं लिख सकते हो, है ना? आप साइन थीटा को साइन टू पाई माइनस थीटा नहीं लिख सकते हो। हमने डिसाइड किया कि पाई वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तो फिर क्या डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया कि टू पाई वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। लेकिन टू पाई वाली प्रॉपर्टी साइन थीटा इक्वल टू साइन टू पाई माइनस थीटा नहीं होता, बल्कि क्या होता है? साइन टू पाई माइनस थीटा ना माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन हमें तो साइन थीटा को बदलना है ना, हमें साइन थीटा को बदलना है प्रॉपर्टी लगा के, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं काम करता हूं, मैं साइन थीटा इज इक्वल टू इस माइनस को इधर भेज देते हैं एंगल के अंदर, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ थीटा माइनस टू पाई, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ थीटा माइनस टू पाई। और अब देखते हैं कि अब ये प्रॉपर्टी लगाने से अब ये हमारा साइन इनवर्स की रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक, देखिए साइन इनवर्स साइन, इसको हमने लगाया थीटा माइनस टू पाई। क्यों ये टू पाई वाले पे गैप क्लियर है ना? क्योंकि पाई वाले में ये साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ये वाला रिजेक्ट कर दिया, टू पाई वाले फॉर्मूले पे गए। टू पाई में हमने लगाया, टू पाई में क्या फॉर्मूला निकल करके आ रहा? साइन थीटा को मैं साइन ऑफ थीटा माइनस टू पाई लिख सकता हूं। तो इस साइन थीटा को मैं साइन थीटा माइनस टू पाई लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कितना है, देखो 7 - 8 मतलब माइनस पाई बाई 4। और अब आप देखिए कि हाँ भाई, अब ये हमारा साइन इनवर्स की रेंज के अंदर आ गया, अब ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच आ गया। तो अब आप इसको कैंसिल करके और अपना आंसर माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हो। तो देखिए माइनस पाई बाई 4 मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, कि हम देखेंगे कि ये जो हमारा एंगल है ये कितने पाई के नियरेस्ट है। अगर ये पाई के नियरेस्ट है तब तो सिंपल वाली प्रॉपर्टी लगेगी साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। और अगर ये पाई के इक्वल नहीं बल्कि टू पाई के इक्वल है, तो टू पाई के इक्वल है तो फिर ये साइन थीटा इक्वल टू साइन टू पाई माइनस थीटा नहीं बल्कि थीटा माइनस टू पाई वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अगर ये थ्री पाई के नियरेस्ट है तो साइन थ्री पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा वाला प्रॉपर्टी लगेगी। अगर ये फोर पाई के नियरेस्ट है तो 4 पाई में फिर आपको साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस 4 पाई वाली प्रॉपर्टी लगेगी। मतलब सीधे देखना है कि ये कितने पाई के नियरेस्ट है। अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के नियरेस्ट है तब तो सिंपल फॉर्मूला ये वाला साइन पाई माइनस थीटा या साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई के नियरेस्ट है तो आप 2 पाई माइनस थीटा 4 पाई माइनस थीटा नहीं करोगे बल्कि थोड़ा बदल दोगे इसको, थीटा माइनस टू पाई या थीटा माइनस फोर पाई करोगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो देखिएगा कि कितने पाई के नियरेस्ट है, वो इवन है या ऑड, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। चलिए अब मैं इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि भाई आप साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 4 की वैल्यू बताइए, 4 रेडियन में है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 4 की वैल्यू बताइए। ठीक, देखिए यहां पे आप इसको मेथड 1 से नहीं कर सकते ना, कि साइन 4 की वैल्यू निकाल लो आप और फिर उसके बाद दोबारा साइन इनवर्स के हिसाब से निकालो। मेथड 1 फेल, सिर्फ मेथड 2। मेथड 2 में मैंने आपको जनरल रास्ता बताया, मैंने बोला ना 4 पता करिए कि कितने पाई के नियरेस्ट है, 1 पाई के नियरेस्ट है कि 2 पाई के नियरेस्ट है। पाई होता है 3.14, 2 पाई होता है 6.28, ये तो पाई के ही नियरेस्ट है। किसके नियरेस्ट है? पाई के नियरेस्ट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के नियरेस्ट है। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगेगा, कौन सा सिंपल फॉर्मूला? सिंपल फॉर्मूला लगेगा साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पे आप क्या लिख दोगे? चलो थीटा की जगह पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 4। और अब ये पाई माइनस 4 ना साइन इनवर्स की रेंज के अंदर होगा, और आप साइन इनवर्स साइन को कट कर दीजिए और आपका आंसर आएगा पाई माइनस 4। ठीक, आप चेक भी कर सकते हो, आप वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो, 3.14 माइनस 4 वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा। ठीक, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं,
जो मैंने आपको ये ट्रिक बताया, लॉजिक बताया, इससे आप बड़े आराम से कर सकते हो। अच्छा, इसका वैल्यू निकालिए, तो साइन इनवर्स साइन सिक्स का वैल्यू निकालिए जरा, कितना आएगा, क्या करना है, देखना है कि ये कितने पाई के नियरेस्ट है। आपको दिख रहा है 2 पाई के नियरेस्ट है, तो 2 पाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 पाई वाला फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, 2 पाई में थीटा माइनस 2 पाई करते हैं, 2 पाई माइनस थीटा नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, थीटा माइनस, थीटा की जगह पे 6 माइनस 2 पाई करते हैं। अब ये रेंज में आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करके आप अपना आंसर लिख सकते हो, योर आंसर विल बी 6 माइनस 2 पाई। अरे अब मैं आगे आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इवन ये फॉर्मूला भी मत लिखो, समझे। जब आपको पता चल गया कि ये 2 पाई के नियरेस्ट है, तो फॉर्मूला लगेगा थीटा माइनस 2 पाई, तो सीधे आंसर लिखिए 6 माइनस 2 पाई, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अगला मुझे आंसर बताइए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 की वैल्यू बताइए, तो जरा कितना आएगा, देखिए कितने पाई के नियरेस्ट है, 2 पाई, नहीं 3 पाई, यस 9 पॉइंट, है ना। ये जो है आप चेक कर लो, 2 पाई की वैल्यू आएगी 6.28 के आसपास, और 3 पाई की वैल्यू आएगी आपके पास 9.42, ठीक है। अब ये 8 जो है वो किसके नियरेस्ट है, 8 इससे 1.42 दूरी पे है, और इससे कितनी दूरी पे है, इससे आपका 1.62 दूरी पे है, 1.62, और इससे 1.42, इसके ज्यादा करीब है। जब इसके ज्यादा करीब है, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे 3 पाई वाला, 3 पाई में तो सीधा सीधा फॉर्मूला चलता है ना, 3 पाई माइनस थीटा, तो 3 पाई माइनस थीटा की जगह पे क्या है 8, योर आंसर विल बी 3 पाई माइनस 8, ठीक है। सॉरी अरे, इस बार आपका आंसर गलत है, द आंसर इज 3 पाई माइनस 8, ठीक है। 3 पाई के नियरेस्ट है जब, तो सीधा फॉर्मूला लगेगा ना, पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में आप थीटा माइनस करते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसका आंसर 3 पाई माइनस 8 होगा। नेक्स्ट बताइए, तो साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू बताइए, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर बताइए। देख रहे हो ये किसके नियरेस्ट है, ये भी आपका 3 पाई के ही नियरेस्ट है। तो जब 3 पाई के नियरेस्ट है, तो 3 पाई वाला सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ना, 3 पाई माइनस थीटा, सीधा ही आंसर, ठीक है। ऑड मल्टीपल में सीधा फॉर्मूला चलता है, याद करिए ना, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, सब में सीधा चलेगा। इवन मल्टीपल वाले में थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 4 पाई करना पड़ेगा, क्योंकि साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आता है, इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट इसका बताइए, साइन इनवर्स साइन 12 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। साइन इनवर्स साइन 12 देखिए किसके नियरेस्ट आ रहा है, 4 पाई के नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट आ रहा है, 4 पाई के नियरेस्ट। तो 4 पाई के नियरेस्ट है, तो 4 पाई में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 4 पाई में तो सीधा वाला फॉर्मूला लगता, थीटा माइनस 4 पाई लगेगा, थीटा की जगह पे 12 माइनस 4 पाई। विक्रांत ने सही आंसर दिया, 12 माइनस 4 पाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो भाई बहुत सिंपल सा काम है, डिसाइड कर लो कि ये कितने पाई के नियरेस्ट है, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। चलिए अगला बताइए, तो साइन इनवर्स साइन 50, इसको जरा निकालिए और बताइए। देखिए भाई 50 कितने पाई के नियरेस्ट है, चलो पता लगाते हैं। 16 पाई में देखें जरा कितना आता है, 16 पाई में 16 इंटू 3.14 कितना आएगा, देखो तो 50.24। तो ये तो क्लियर हो गया कि माने ये हमारा जो है कितने पाई के, 16 पाई के नियरेस्ट है, 16 पाई जो है वही है 50 के आसपास, बिल्कुल 50 के करीब है। तो 16 पाई वाला फॉर्मूला, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इसलिए इसमें थीटा माइनस 16 पाई लगेगा, थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, 50 माइनस 16 पाई, सो योर आंसर इज 50 माइनस 16 पाई, क्लियर, यस। सॉरी अरे, करेक्ट आंसर अमित कुमार, आपका आंसर रॉन्ग हो गया,
तो ध्यान से देखो भाई, बहुत सिंपल सा काम है। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो आप। बन जाएगा ना इस तरीके का पैकेज में क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो मैं आपको वो भेज करके और उसमें क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगा। चलिए ठीक है, फिलहाल ये हमारा पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, दैट वाज वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें सीखी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग को पढ़ना है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है? नाउ दिस y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इज इनवर्स ऑफ व्हाट? इट इज इनवर्स ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक? अब f इज डिफाइंड फ्रॉम, अभी मैं बिल्कुल नहीं लिखता हूं कि कहां से कहां डिफाइन करें, fx इक्वल टू कॉस एक्स। इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि आप डिसाइड करके बताना, ताकि वो इंटरवल बताना जिसके लिए ये 1 1 ऑन 2 हो और जिसके लिए इसका इनवर्स निकाला जा सके, ठीक है? तो देखिए cos x का ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूं। cos x का ग्राफ आप सबको पता है कुछ इस तरीके से होता है। तो इसको 1 1 ऑन 2 बनाना है। तो ऑन 2 बनाने के लिए हमारे पास इजी काम है। ऑन 2 बनाने के लिए हम लोग इसके कोडोमेन को लेते हैं -1 to 1, विच विल बी इक्वल टू रेंज, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑन 2 बन जाएगा, ठीक है? अब 1 1 बनाना है तो 1 1 के लिए इंटरवल चूज करिए। 1 1 के लिए आप वो इंटरवल चूज करिए जहां पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे। तो कौन सा चूज करोगे? तो बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। एक तो ये हम चूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। फिर ने बोलो, किसी ने बोला नहीं हम ये चूज करते हैं, ये वाला भी चूज कर सकते हैं। तो ये वाला चूज करोगे तब भी आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये 1 1 हो जाएगा, ऑन 2 हो जाएगा। लेकिन किसको चूज करेंगे? वैसे इनवर्स निकालने के लिए आप दोनों को चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसको चूज करेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसको चूज करेंगे जो ओरिजिन के नियरेस्ट है। आपको दिखा कि ओरिजिन के नियरेस्ट तो दोनों है, तो जब दोनों ओरिजिन के नियरेस्ट है तो आप उसको चूज करिए जो पॉजिटिव है। तो इसलिए हम 0 से π वाला ही चूज करते हैं, ठीक है? क्या चूज करते हैं? 0 से π वाला, ओरिजिन के नियरेस्ट, और दोनों ओरिजिन के नियरेस्ट है तो पॉजिटिव वाला हमने चूज किया, 0 से π, ठीक है? तो y इक्वल टू कॉस एक्स किस तरीके से हमने डिफाइन किया? f इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to π टू -1 to 1, इसमें आपका ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, इसलिए ये इनवर्टिबल हो जाएगा और ये सामने आपका इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है? अब जब ये इनवर्स डिफाइन हो गया तो सबसे पहले फिर से इसका डोमेन लिखा जाए। आपको पता है कि फंक्शन और उसके इनवर्स का डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसका रेंज इसका डोमेन बन जाएगा। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप कर चुके हो, कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है, इसके इनपुट को -1 से 1 लाई कराते हो। रेंज पे आइए, रेंज ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं शुरू से आपको यही बात बोल रहा हूं, ठीक है? इसका रेंज क्या होगा? जो इसका डोमेन था वो इसका रेंज हो जाएगा। इसका डोमेन क्या था? 0 to π, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 to π, क्लोज्ड ऑन बोथ साइड। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें समझिएगा जरा। कॉस इनवर्स का रेंज 0 to π है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, इसका मतलब इसका आउटपुट 0 से π के बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी कीमत पे बाहर नहीं जाना चाहिए 0 से π के, ठीक है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताइए कॉस इनवर्स ऑफ हाफ की वैल्यू बताइए, तो आप फिर दिमाग लगाओ अच्छा कॉस थीटा हाफ कब होता है, है ना? तो आपने दिमाग लगाया अच्छा कॉस थीटा हाफ होता है, एक तो होता है 60 डिग्री पे, π/3 पे, मैंने बोला ठीक है। फिर आपने दिमाग लगा कह रहे नहीं सर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/3 लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लेना है। कॉस -π/3 हाफ बिल्कुल होता है, लेकिन इसका कॉस इनवर्स हाफ का आंसर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कॉस इनवर्स का आउटपुट हमेशा 0 से π के बीच में होना चाहिए,
हमेशा अपने रेंज के अंदर होना चाहिए, इसलिए ये पाई बाई थ्री ही करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, कॉस इनवर्स माइनस हाफ मैंने बोला निकालने के लिए, तो कॉस निगेटिव आपने दिमाग लगा, अच्छा कॉस निगेटिव तो सेकेंड में और थर्ड में होता है, तो एक आपका हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई थ्री, एक क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई थ्री, और एक आपका हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई थ्री। कौन सा लेना है, कौन सा रिजेक्ट करना है? इसको रिजेक्ट करिए क्योंकि ये पाई के बाहर चला गया, जीरो से पाई के बाहर चला गया। इसको लीजिए क्योंकि ये जीरो से पाई के अंदर है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, टू पाई बाई थ्री, है ना, कितना हो जाएगा टू पाई बाई थ्री, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि कॉस इनवर्स का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो जीरो से पाई हमेशा पॉजिटिव, मतलब कॉस इनवर्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉइंट ना अपने माइंड में हमेशा सेट कर लीजिए, जैसे आपके दिमाग में कुछ चीजें हैं ना कि परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, देखते ही परफेक्ट स्क्वायर को दिमाग में आता है, स्क्वायर रूट को देखते ही दिमाग में आता है कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल को देखते ही दिमाग में आता है कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इन ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन की लिस्ट में अब आप एक और फंक्शन डाल दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स जो है वो क्या होता है, देखो तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये सारी बातें हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे ही क्वेश्चन मिलता है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होगा तो आपको बता दिया जाएगा, तब फिर आप कोई रिजल्ट मत यूज करें, ठीक है। अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स हमेशा क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसको एक ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन के तौर पे दिमाग में रखिएगा। अब हम जल्दी से इसके ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं और अगेन इसकी बाउंड्रीज बना देते हैं। बाउंड्रीज मतलब देखिए, बाउंड्री मतलब इसका डोमेन है माइनस वन से वन और इसका रेंज है जीरो से पाई, पाई बाई टू पाई। तो आपका ग्राफ इन बाउंड्री के अंदर आएगा, जीरो से पाई के बीच में और इधर माइनस वन से वन के बीच में आएगा। इसके बीच में ही ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने जो टेक्निक बताई थी उससे आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। क्या टेक्निक बताई थी, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, मतलब x और y एक्सिस इंटरचेंज करके अगर आप cos का ग्राफ बनाते हो ना, तो cos का जो ग्राफ होगा वही cos इनवर्स का ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। ये पाई बाई टू है, इसको मेंशन कर देते हैं। x और y एक्सिस को इंटरचेंज करके आप सिंपली cos x का ग्राफ बनाइए, वही cos इनवर्स x के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो चलो अपने मन में इसको y एक्सिस, इसको x एक्सिस मान के cos का ग्राफ बनाइए, तो cos का ग्राफ या ऐसे साइड में थोड़ा घूम जाइए और फिर cos का ग्राफ खींचे, तो देखो जीरो पे वन होता है, पाई बाई टू पे जीरो होता है, फिर ऐसे कॉस का ग्राफ बढ़ता है, पाई पे माइनस वन होता है, ऐसे आगे बढ़ता जाता, लेकिन आपको बाउंड्री के बाहर नहीं जाना, तो इसलिए ये ग्राफ जो सामने मैंने आपके ड्रॉ किया है, दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा ही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या यूज होता है आपको पता चल चुका है, अगर इनइक्वालिटी में दोनों साइड में आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन लगाते हो या हटाते हो, तो ऐसा करने से इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। और दूसरा रेंज निकालने में, रेंज में मैंने बताया था कि इनपुट की मिनिमम पे आउटपुट का मैक्सिमम, इनपुट की मैक्सिमम पे आउटपुट का मिनिमम मिलता है। रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको फंक्शन में करा चुका हूँ, ठीक है। इनइक्वालिटी में जो चीजें हैं वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप ये चीजें समझे हो तो आप मुझे एक वैल्यू बताइए कि साइन कॉस इनवर्स ऑफ 4/7 एंड पाई बाई थ्री में कौन सा बड़ा है, एनालिसिस करिए कौन सा बड़ा है, देखिए तो तो
देखिए मैंने टेक्निक आपको क्या सिखाई थी, कैसे चेक करते कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। मैंने बोला था आप करिए कि आप 4x7 के नियरेस्ट वो वैल्यू सर्च करिए जिसपे आपको cos, जिसकी जिसकी वैल्यू आपको cos इनवर्स में पता है। तो 4x7 के नियरेस्ट हम लोग 4x8 है जिसपे हम लोग cos इनवर्स की वैल्यू जानते हैं, cos इनवर्स हाफ की वैल्यू हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इससे कंपेयर करते हैं। अब इसमें बताइए कौन सा बड़ा है, 4x7 बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा। अब अगर आप दोनों साइड का cos इनवर्स लेते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा, क्योंकि cos इनवर्स एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन था, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर गया। नाउ cos इनवर्स 4/7 लेस देन cos इनवर्स हाफ, cos इनवर्स हाफ जो है वो कितना होता है, cos इनवर्स हाफ होता है π/3। तो इसलिए यहां से मैं बोल सकता हूं कि cos इनवर्स 4/7 जो है वो हमारा π/3 से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि आपको मैंने अगेन एक इनइक्वालिटी दिया सॉल्व करने के लिए कि सॉल्व cos इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन 2। इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू लिखनी है, इसको सॉल्व करिए और x की वैल्यू आंसर बताइए। चलिए देखिए करते हैं, cos इनवर्स x ग्रेटर देन 2 इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक ही लिमिट दिया हुआ, मतलब लोअर लिमिट दिया है अपर लिमिट नहीं दिया है, या किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की इनइक्वालिटी में जब एक साइड की लिमिट दी होती है तो दूसरे साइड की लिमिट आप खुद से पुट करते हो, ध्यान रखिएगा, ऐसे छोड़ नहीं देते हो कि अच्छा ठीक है चलो दोनों साइड का कॉस लें, कॉस इनवर्स हटाएं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स लेस देन कॉस 2 हो जाएगा। बस इतने से काम नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला कि अगर एक साइड की लिमिट दी है दूसरे साइड की नहीं दी है तो दूसरे साइड की लिमिट को आप खुद से पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें लोअर लिमिट दिया हुआ है ना, लोअर लिमिट हमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स की, अपर लिमिट नहीं दिया। तो अपर लिमिट आप खुद से रखिए, आपको पता ना कि ये पाई से हमेशा छोटा होता है, ठीक। नाउ अब तीनों साइड का कॉस ले लीजिए, तो यहाँ पे जब कॉस इनवर्स हटाओगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा भाई, क्योंकि कॉस इनवर्स एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए कॉस 2 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू कॉस पाई, कॉस पाई कितना -1। तो यहां से आप बोल सकते हो कि जो आपका एक्स होगा वो किसमें बिलोंग करेगा, एक्स विल बिलोंग टू -1 टू कॉस 2। एक्स किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, -1 टू कॉस 2। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां से क्या सीखा है? मैं एक बार जल्दी से कुछ सेकेंड्स में आपको बता देता हूं। अगर कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनइक्वालिटी मिले, एक ही साइड की लिमिट आपको मिले, तो दूसरे साइड की लिमिट आप खुद से पुट कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपर लिमिट नहीं दिया था तो मैंने कॉस इनवर्स के रेंज के हिसाब से इसका अपर लिमिट खुद से पुट कर दिया, बस बाकी कॉस इनवर्स हटाया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होकर के आंसर आया। यहाँ पे क्या सीखे, अगर कभी भी कुछ वैल्यू निकालनी होती है तो आप इसके नियरेस्ट वो वैल्यू सर्च करते हो जिसपे आपको वैल्यू पता है कॉस इनवर्स की। हमने देखा 4x8 पे हमें वैल्यू पता है, तो उससे कंपेयर करके दोनों साइड का जब कॉस इनवर्स लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वही जो आपको मैंने सिखाया था ना, जैसे कॉस इनवर्स कॉस और कुछ आ जाए तो आप कैंसिल कर पाओगे कि नहीं, जैसे साइन इनवर्स साइन में मैंने आपको सिखाया और बहुत सारे रूल बताए ना कि आप चेक करते हो कि कितने पाई के नियरेस्ट है, उसके हिसाब से सुटेबल फॉर्मूला लगा के आंसर बताते हो। तो यही सब एनालिसिस कॉस इनवर्स कॉस के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।